बच्चों, इस पाठ में हम गुणा की प्रक्रिया सीखेंगे। चंपापुर के बाहर एक सुंदर घना जंगल था। जंगल में सभी प्राणी घुल मिल कर रहते थे। एक दिन वहाँ कुछ भेड़िये रहने आए। वे सभी प्राणियों को बहुत सताते थे, खासकर नन्ही चींटियों को। चींटियां भेड़िये के आतंक से परेशान हो गईं और एक दिन उन्होंने भेड़िये को चुनौती दे दी। भेड़िया उन पर जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन जब भेड़िया चींटियों को परेशान करने आया तो उसे एक भी चींटी नजर नहीं आई। भेड़िया इंतजार करते करते एक पेड़ के नीचे सो गया। दरअसल ये चींटियों की सोची एक युक्ति थी। उन्होंने 3 दल बनाए थे और हर दल में 32 चींटियां थीं। सारी चींटियां पेड़ के पीछे छुपी थी। क्या आप बता सकते हैं वहां कुल कितनी चींटियां थी? इसे हम गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 × 32। लेकिन हमें तो 32 का पहाड़ा नहीं आता। अगर हम 32 को तोड़ें तो क्या मिलेगा? 30 और 2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें 32 को किस अंक से गुणा करना है? 3। 3 को हम ऐसे यहां लिखेंगे। अब हम पहले 32 के 2 को 3 से गुणा करेंगे। 3 × 2 हुए 6। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 30 को 3 से गुणा करेंगे। 3 × 30 हुए 90। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है। 90 में 6 जोड़े तो हो गए 96। इस तरह हमें हमारा उत्तर 3 × 32 हुए 96 मिल गया। वहां कुल 96 चींटियां थीं। जैसे ही भेड़िया सो गया, चींटियों ने उस पर जमकर हमला किया। हर दल ने उसे खूब काटा। भेड़िया दर्द से बेहाल होकर वहां से भाग गया। लेकिन उसने चींटियों से कहा कि वो अगले दिन अपने 3 और दोस्तों को लेकर आएगा। चींटियां डर गई, लेकिन उन्होंने भेड़ियों का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। अब वे सोच रही हैं कि यदि एक भेड़िये के लिए 96 चींटियों की जरूरत थी तो 4 भेड़ियों के लिए कुल कितनी चींटियों को इकट्ठा करना होगा। क्या आप इस गुणाकर के प्रश्न को हल कर चींटियों की मदद कर सकते हैं? आइए इसे एक साथ करें। 96 को तोड़ हम कैसे लिखेंगे? 90 और 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले 96 के 6 को 4 से गुणा करेंगे। 4 × 6 हुए 24। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 90 को 4 से गुणा करेंगे। 4 × 90 हुए। इसे हम कैसे करेंगे? बस 4 × 9 के उत्तर 36 के आगे एक शून्य लगाकर इसका उत्तर हमें मिल जाएगा, 360। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है। 360 में 24 जोड़े तो हो गए
384। इस तरह हमें हमारा उत्तर 4 × 96 हुए 384 मिल गया। चींटियों को कुल 384 चींटियों की जरूरत होगी। अगले दिन भेड़िया अपने 3 दोस्तों के साथ वहां आया। इस बार भेड़ियों ने पेड़ के पीछे देखा, लेकिन उन्हें चींटियां नजर नहीं आईं। भेड़िये इंतजार करते करते पेड़ के नीचे सो गए। 384 चींटियां इस बार पेड़ के ऊपर छिपकर बैठी थी। जैसे ही भेड़िये सो गए, उन्होंने उन पर जमकर आक्रमण किया और काट काट कर भेड़ियों का बुरा हाल कर दिया। भेड़िये डर के मारे धूम दबाकर वहां से भाग गए और वहां कभी लौट कर नहीं आए। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणाकर की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।